$5 trillion इकोनॉमी के लक्ष्य को देश कैसे प्राप्त कर सकता है, इसकी एक दिशा बजट में हमने दिखाई है और उससे जुड़े फैसलों का ऐलान किया गया है। और देश को यह भी विश्वास किया गया है कि 5 साल एक सरकार एक कंटिन्यूटी में है। यह भी विश्वास दिया है कि आने वाले 10 साल के विजन के साथ हम मैदान में उतरे हैं। दूसरी पारी संभालते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखकर उत्साह भरने की कोशिश की, लेकिन ग्लोबल मंदी और जीडीपी में गिरावट ने सरकार के हाथ पैर फुला दिए। जीडीपी विकास की दर 5% पर आ गिरी, ऑटो सेक्टर तो धड़ाम से नीचे आ गया। मारुति को देश की अर्थव्यवस्था का थर्मामीटर कहा जाता है और मारुति में ही छंटनी शुरू हो गई। टाटा ऑटोमोबाइल भी इससे बच नहीं पाए। एक तरफ नौकरियां जुटाना सरकार के लिए भारी चुनौती है, उस पर अगर नौकरियां जाने लगे तो मोदी सरकार की परेशानी समझी जा सकती है। कहते हैं अर्थव्यवस्था की धुरी सेंटिमेंट पर टिकी रहती है, यही वजह है कि सरकार हौसला खोना नहीं चाहती। अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार ने पहल शुरू कर दी। पहले बैंकों को दुरुस्त करने का फैसला किया गया और 10 सरकारी बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बना दिए गए। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में विलय हुआ तो सिंडिकेट को केनरा बैंक में मिला दिया गया। इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक में शामिल हो गया। इसी तरह आंध्रा और कॉरपोरेशन बैंक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के हिस्से हो गए। बैंकों का आधार मजबूत करने के लिए सरकार ने खजाना भी खोल दिया। बैंकों में 70,000 करोड़ रुपए निवेश करने का ऐलान किया गया, जिससे कि बाजार में पैसा आए और अर्थव्यवस्था खिल उठे। कंसोलिडेटेड PSBs फॉर स्ट्रॉन्ग नेशनल प्रेजेंस एंड ग्लोबल रीच, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव विद विच वी वेंट अबाउट दिस कंसोलिडेशन प्लान। सो 82% ऑफ ऑल PSB बिजनेस विल बी विद दीस बैंक्स, 56% ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक बिजनेस विल बी विद देम। मोदी सरकार ने 100 दिनों में आर्थिक मोर्चे पर कई कदम उठाए, पर नतीजे मन माफिक नहीं रहे। मसलन मजदूरों के लिए पेंशन योजना, किसानों को साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए 15 दिन में KCC, 14 खरीफ फसलों की MSP बढ़ाकर किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश हुई। सरकार की नजर ऑटो और रियल एस्टेट सेक्टर पर भी है। दोनों सरकारों को मंदी से बचाने के लिए सरकार कई और ऐलान कर सकती है।